नमस्कार, मैं त्रिशाली मगरे एमवीटीवी के समाचार में आप सभी का स्वागत। हापुस आम की मांग विदेश में भी बड़ी तौर पर हो रही है। हापुस के उत्कृष्ट स्वाद की वजह से विदेशी ग्राहकों को हापुस ने मोहित किया है। अमेरिका, यूरोप, कनाडा, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, दुबई में हापुस आम को ज्यादा मांग होती है। पिछले साल से यूरोप, कनाडा, रशिया यहाँ से भी हापुस की मांग ज्यादा हो रही है। इस साल पहली बार हॉलैंड से 500 टन हापुस की मांग की गई है। हर एक देश की मांग के अनुसार आमों की निर्यात की जाती है। रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों के अधिकांश आम नई मुंबई में हुए वाशी बाजार में बिक्री के लिए भेजे जाते हैं और वाशी बाजार से विभिन्न देशों में निर्यात किए जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमवीटीवी न्यूज। महापालिका ने शहर में एक ही तरह के और एक ही आकार के गतिरोधक निर्माण करने के आदेश दिए हैं। बहुत से रास्तों पर अवैध गतिरोधक निर्माण किए जाते हैं। इन गति प्रतिबंधों के कारण वाहनों की गति कम होने की तुलना में दुर्घटनाएं अधिक होती है। इन्हें रोकने के लिए महापालिका ने शहर में एक ही तरह के और एक ही आकार के गतिरोधक निर्माण करने के आदेश दिए हैं। इसके लिए नई नियमावली तैयार की गई है। इसे जल्द ही लागू किया जाएगा, ऐसी जानकारी सामने आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमवीटीवी न्यूज। रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2019 और 20 के पहले दो साल की अवधि में रेपो दर में 0.25% की कमी की गई है। रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2019 और 20 के पहले दो साल की अवधि में रेपो दर में 0.25% की कमी की गई है। इसलिए रेपो दर 6.25% से 6% हुआ है। इस वजह से गृह कर्जा, वाहन और अन्य कर्जा सस्ता होने वाला है। इस बीच अल नीनो के प्रभाव की वजह से मानसून की बारिश कम होने की संभावना होने की वजह से इसका असर अर्थव्यवस्था पर होने वाला है। इसलिए जीडीपी 7.2% रहेगा, ऐसी जानकारी रिजर्व बैंक की ओर से प्राप्त हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमवीटीवी न्यूज। महाराष्ट्र में घरेलू सांडपानी एक ही स्थान पर केंद्रित है, इस वजह से राज्य में जल संरक्षण का खतरा बढ़ गया है। महाराष्ट्र में घरेलू अपिष्ट जल एक स्थान पर ही केंद्रित है, इसलिए राज्य में जल संरक्षण का खतरा बढ़ गया है। लगभग 75 से 80% जल स्रोत इसी कारण से प्रदूषित हो चुके हैं। केंद्रीय पेयजल ने देश के सभी राज्यों में जल संसाधनों का निरीक्षण किया है। इनमें महाराष्ट्र में हुए 1,71,484 जल स्रोत दूषित होने की जानकारी सामने आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमवीटीवी न्यूज। प्लास्टिक के विरोध में नई मुंबई पालिका ने एक तीव्र मुहिम जारी की है। बुधवार को विभिन्न जगहों से 8 टन प्लास्टिक जब्त किया है। प्लास्टिक के विरोध में नई मुंबई महापालिका ने एक तीव्र मुहिम जारी की है। होली के बाद शहर में से लगभग 26 टन प्लास्टिक जब्त किया गया है। यह राज्य में हुई सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। तो बुधवार से विभिन्न जगहों से 8 टन से ज्यादा प्लास्टिक जब्त किया गया है। सब्जी बाजारों में नियमों का उल्लंघन बड़ी तौर पर किया जाता है, इसलिए महापालिका आयुक्त इन्होंने नागरिकों को प्लास्टिक बैग का उपयोग न करने की अपील की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमवीटीवी न्यूज। मोबाइल टिकट सेवा को मध्य और पश्चिम रेलवे के यात्रियों से अच्छी प्रतिक्रिया प्राप्त हो रही है। मोबाइल टिकट सेवा को मध्य और पश्चिम रेलवे के यात्रियों से अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। मार्च में मध्य रेलवे पर 13,79,677 मोबाइल द्वारा और पश्चिम रेलवे पर 8,78,629 टिकटों की बिक्री हुई है। दो साल पहले मोबाइल टिकट सुविधा शुरू की गई थी। इसे यात्रियों की ओर से अच्छी प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई थी। यह प्रतिक्रिया बढ़ाने के लिए मध्य और पश्चिम रेलवे ने जन जागृति मुहिम हाथ ली थी और मोबाइल टिकट का महत्व बताया गया था, और इस वजह से धीरे धीरे मोबाइल ऐप का इस्तेमाल बढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमवीटीवी न्यूज। आज के समाचार में इतना ही। नमस्कार।